गुड मॉर्निंग। सो चैप्टर 5 आज हम डिस्कस करेंगे एवरी ड्रॉप काउंट्स। व्हेन द वेल इज ड्राई वी नो द रूट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी अगर वेल ड्राई हो जाए तो आप वाटर कहाँ से पाओगे, आपको पता है। अ स्टेट इन द ग्रिप ऑफ सर्व ड्राउट, नो रेनफॉल, पर्श अर्थ ऑल अराउंड, एट सिटी प्राइड स्कूल इन पुणे द टैप्स हैड रन ड्राई, देयर वॉज नो वाटर इवन टू मॉप एंड फ्लश, लीव अलोन वाटर द प्लांट्स, द ब्यूटिफुल स्कूल गार्डन हैड ड्राइड अप, द स्कूल वॉज फेसिंग अ बैड वाटर शॉर्टेज ड्यू टू द सर्व ड्रॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द स्टाफ एंड स्टूडेंट डिसाइडेड टू टैकल द प्रॉब्लम हियर्ड ऑन द रेदर दैन वेट फॉर सोल्यूशन, द टीचर डिस्कस पॉसिबल वे टू कंजर्व वाटर एंड सेव द ग्रीनरी विथ इन द स्कूल, द इन्वायरमेंट कमेटी हैड अ सिंपल बट ब्रिलियंट आइडिया, एट अ मीटिंग द टीचर पॉइंटेड आउट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड सम वाटर इन देयर बॉटल्स व्हेन दे लेफ्ट स्कूल, यूजली दे थ्रू अवे द वाटर लेफ्ट इन द बॉटल्स, वंस दे गॉट होम इफ दिस वाटर वॉज कलेक्टेड द स्कूल कुड यूज इट फॉर वेरियस थिंग, सून एम्प्टी बकेट वर प्लेस्ड एट वेरियस पॉइंट्स इन द स्कूल टू कलेक्टेड वाटर, इन ऑल देयर वर 12 बकेट्स नियर द स्टेयरकेसेस एंड गेट्स ऑफ द बिल्डिंग, एवरी आफ्टरनून देयर वर क्वेक्स ऑफ हैप्पी चिल्ड्रेन पावरिंग देयर लेफ्ट ओवर वाटर एंड डोनेटिंग टू द वाटर बैंक, द कलेक्टेड वाटर वॉज यूज फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग। क्या होता है, एक स्टेट रहता है जो बहुत ड्राई हो चुका होता है, मतलब वहाँ के पानी नहीं रहता है, वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है और वहाँ पे सारे अर्थ जो है सूखे पड़ गए होते हैं। ठीक है, और इतना वहाँ पे एकदम ना कोई टैप में पानी आता है, मतलब हर जगह वो ड्राई हो गया होता है, कहीं भी पानी नहीं आता, यहाँ तक कि वो फ्लश करने के लिए भी पानी वहाँ नहीं रहता है, मुँह धुलने के लिए भी पानी नहीं रहता है, और सारे प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं, अलोन हो जाते हैं, मतलब सूखे पड़ जाते हैं सारे प्लांट भी बिना पानी के। सो स्कूल के ब्यूटीफुल गार्डन होते हैं वो भी ड्राइड अप हो जाते हैं। सो स्कूल जो होता है वो बैड वाटर शॉर्टेज ड्यू टू द सर्व ड्रॉट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी जो स्कूल रहता है और वो भी बहुत इनको ये सब परेशानियाँ को फेस करना पड़ता है, फेस करना रहता था स्कूल में। तो सारे स्टाफ और स्टूडेंट डिसाइड किए हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फेस करेंगे, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए वो लोग डिसाइड किए हैं कि क्यों ना जो बच्चे हैं वो जब घर जाते हैं तो उनके बॉटल में जो भी पानी बचता है वो लोग असल में वो लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, तो उसे क्यों ना हम लोग उसे बचाया जाए। सो हम लोग वो लोग बकेट मंगाते हैं और हर एक फ्लोर पर रख देते हैं, टोटल 12 बकेट्स रख देते हैं और हर एक फ्लोर पर रख देते हैं, जैसे कि बच्चे जब घर जाते हैं तो उनकी बॉटल में जितना भी पानी बचता है वहाँ पे वो बकेट में वो कलेक्ट करते जाते हैं, जो पानी वो लोग कलेक्ट करते थे उसी पानी से वो लोग उसे यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, या तो वो पौधों में पानी दे देते या तो साफ़ सफाई में उस पानी को यूज़ करते थे वो। नेक्स्ट डे द वाटर बैंक ब्रॉट द स्कूल ग्राउंड टू लाइफ, विथ इन द फ्यू डेज इट टर्न लोस ग्रीन, द किचन गार्डन प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो रिवीव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर, द स्टूडेंट्स नाउ ग्रू टमेटोज, लेडी फिंगर्स, स्पिनच एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स, द प्रोजेक्ट टू सेव वाटर डज नॉट एंड द स्कूल ऑफ गेट, चिल्ड्रेन हैव लर्न मैनी वे टू सेव वाटर इन द स्कूल एंड एट होम, दे आर ट्रूली वाटर स्मार्ट नाउ, द चिल्ड्रेन पेरेंट्स आर हैप्पी टू सी द डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड्स, हार्डली कंसर्न्ड अबाउट द वेस्टेज ऑफ वाटर ईयरली, द चिल्ड्रेन नाउ रियलाइज दैट दे मस्ट सेव दिस प्रीसियस रिसोर्स, द स्कूल एंड इट्स चिल्ड्रेन हैव शोन दैट ट्रूली एवरी ड्रॉप काउंट्स। फिर क्या होता है, जब ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसे पेड़ पौधे में डालते हैं या फिर साफ सफाई में लगाते हैं, तो ये धीरे धीरे जब ये लोग काम करते हैं तो वाटर बैंक जो होता है वो स्कूल के जो ग्राउंड होते हैं वो सारे खिल जाते हैं, सारे पेड़ पौधे एकदम अच्छे से लग जाते हैं,
और सारे खिले हुए सारे ग्रो करने लगते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें वो लोग वेजिटेबल्स मतलब पेड़ लगाते हैं, कोई टमाटो, लेडीज़ फिंगर, स्पिनच, हर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स के पेड़ लगाते हैं। सो इस प्रोजेक्ट से स्टूडेंट्स सीख चुके थे कि हमें वाटर को कैसे सेव करना चाहिए, और ये वाटर सेव करने के लिए सिर्फ स्कूल में ही सेव नहीं करना था बल्कि ये काम हमें घर पे भी करना था कि हमें वाटर को कैसे सेव करना चाहिए। और जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो भी इस अपने बच्चों में ये डिफरेंट देख के, जो इनके एटीट्यूड में डिफरेंट हुआ था, जो ये सेव कर रहे थे वाटर, इनको देख के वो बहुत खुश हुए। ठीक है, सो बच्चे इससे ये सीखें कि हमें वाटर कैसे सेव करना चाहिए, और घर पे भी वो लोग ये काम करते थे। सो स्कूल एंड इट्स चिल्ड्रन हैव शोन दैट ट्रूली एवरी ड्रॉप काउंट्स। ठीक है, मैनी स्कूल हैव बिगन टू थिंक ऑफ वे टू सेव मोर एंड वेस्ट लेस। दे आर टेकिंग स्टेप्स टू बिकम ग्रीन स्कूल बाय ग्रोइंग एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्री इन देयर ग्राउंड, रिसाइकलिंग पेपर एंड अदर वेस्ट, यूजिंग सोलर एनर्जी, बैनिंग पॉलीथीन बैग्स, रिसाइकल वाटर। है ना, कैसे हमें अपने स्कूल को ग्रीन करना चाहिए। ओके, ये सब लिखे हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे टिप्स टू सेव वाटर एट होम, यानी हम वाटर को कैसे सेव। सो अब हम पढ़ेंगे टिप्स टू सेव वाटर एट होम, यानी हम घर पे कैसे सेव कर सकते हैं वाटर को। सो फर्स्ट क्या लिखा है, टर्न द टैप ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, स्पेशली वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर हैंड्स। यानी आप अगर टीथ ब्रश कर रहे हो और अगर आपको यूज़ नहीं है पानी की, तो उसे आप बंद करके रखें। ठीक है, दूसरा, फिक्स एनी लीकिंग टैप और पाइप।